यह है पृथ्वी। हमें यह बहुत बड़ी लगती है क्योंकि हम यही रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स यही रहते हैं और इंसानों का पूरा इतिहास यही गुजरा है। पर हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो हमारा ब्रह्मांड है कितना बड़ा, इसी का जवाब आज हम खोजेंगे जाने दुनिया 10 मिनट में। अब हम चलेंगे पृथ्वी के बाहर। शायद आपने कई बार किसी मूवी, डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी न्यूज चैनल में पृथ्वी के बाहर से ये वाला नजारा जरूर देखा होगा। ये चीज बहुत ही क्लियर है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही विशाल है। लेकिन अब चलिए जूम आउट करते हैं, पृथ्वी के सबसे पास क्या है? जी हाँ, हमारा चांद। चांद से पृथ्वी का डिस्टेंस 384,000 किलोमीटर। ये डिस्टेंस इतना है कि इसके बीच में 30 पृथ्वी आ सकती हैं। जब हम ये बोलते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो हमारे दिमाग में कुछ ये सामने वाली तस्वीर होती है। सच्चाई ये है, पृथ्वी और चांद के बीच का डिस्टेंस कुछ एक्चुअली में ऐसे दिखाई देता है। अब चलिए और जूम आउट करते हैं। अगला प्लैनेट जो हमारे पास है वो है मार्स या मंगल ग्रह। आमतौर पर मंगल ग्रह हमसे 225 मिलियन किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर रहता है। हमने एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला? देखिए, बात ऐसी है कि मार्स का ऑर्बिट एकदम गोल नहीं बल्कि एलिप्टिकल है, और यही कारण है कि मार्स और पृथ्वी की दूरी हर समय अलग होती है। पर इस दूरी को हम कैसे समझें? मान लीजिए आपके पास कोई सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? कुछ 300 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग। अब एक स्पेसक्राफ्ट जिसकी आमतौर पर स्पीड होती है लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मंगल ग्रह पहुंचने में लगभग 7 महीने लगेंगे। सोचिए कि आपके पड़ोस का एक ग्रह कितना दूर है आपसे, लेकिन हमारे ब्रह्मांड का ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब और जूम आउट करते हैं। अब आपके सामने हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने अभी तक की सबसे लंबी दूरी कवर की है, और वो अभी सन से 156 AU दूर है। एक AU का मतलब होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक AU सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। अब हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, और यहाँ पर हमारी यूनिट चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ डिस्टेंसेस ही इतने बड़े हैं। जिस यूनिट को हम यूज करेंगे उसका नाम है लाइट ईयर। इसका मतलब होता है कि प्रकाश या लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को लाइट ईयर बोला जाता है। जानकारी के लिए बता दें, लाइट की स्पीड ऑफ ट्रेवल है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारे सन से सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर है। अब अगर स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 उसके डायरेक्शन में चलते रहे, तो भी उसको 70,000 साल लग जाएंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में। सोचिए वो कितना दूर है। अब फिर से जूम आउट करते हैं। ये जो खूबसूरत नजारा आपके सामने दिख रहा है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम बसा हुआ है। इसमें छोटा सा येलो डॉट जो आप देख रहे हैं, यही हमारी पृथ्वी के सभी रेडियो ब्रॉडकास्ट की मैक्सिमम रेंज है। यानी अगर एलियंस इस येलो डॉट की रेंज में नहीं आए हैं, तो उनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का साइज एक से दूसरे साइड 1,00,000 लाइट ईयर है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़। तो हमें आसमान में 10,000 करोड़ सितारे क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब ये है कि मिल्की वे का ये जो छोटा सा येलो स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो सितारे हैं, वही हमारे रात के आसमान का 99% बनाते हैं। अब अगर हम और जूम आउट करें, तो हम पहुंचते हैं हमारे गैलेक्सी के साथ वाले लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें 54 और गैलेक्सीज हैं। साथ ही इसी में मशहूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी गैलेक्सीज के नाम पता है। चलिए आते हैं वापस वीडियो पर। इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का साइज है 1 करोड़ लाइट ईयर, लेकिन ये कुछ भी नहीं है सुपर क्लस्टर के सामने। तो और जूम आउट करते हैं। अब हम पहुंचते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर में, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, और इस सुपर क्लस्टर का साइज है 11 करोड़ लाइट ईयर, और ये भी कुछ नहीं है। अब आता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जो कि मिल्की वे जैसी 1,00,000 गैलेक्सीज का घर है, और साइज में ये 52 करोड़ लाइट ईयर अक्रॉस है। क्या आप शॉक हो गए?
अभी से शॉक मत होइए, क्योंकि अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जूम आउट करते हुए हमें दिख रहा है कि लैनिकियर सुपर क्लस्टर भी ब्रह्मांड में छोटे से दाने के बराबर है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अगर समझना हो तो इसको ऐसे समझिए, ये वह सीमा है जहाँ तक हमारे टेलीस्कोप और बाकी यंत्र तक लाइट पहुँचती है, और इसमें लगभग 2,00,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज में मौजूद सितारों को अगर हम जोड़ दें तो पृथ्वी पर इतने रेत के दाने नहीं हैं जितने हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सितारे हैं। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज क्या है? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यहीं से चीज़ें देखते हैं, तो हमारे लिए एक साइड का डिस्टेंस है 4,650 करोड़ लाइट ईयर, और क्योंकि हम कहीं बीच में हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं उसका असली साइज है लगभग 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स। हमारे थलाइवा की भाषा में क्यों हिला डाला ना? पर जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसको तो हम एक ना एक दिन पूरा समझ ही लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है उस तक हमारी पहुंच क्यों नहीं है? देखिए, बात ऐसी है कि जब से हमारा ब्रह्मांड बना है तब से वह फैलता ही जा रहा है, और उसके फैलने की गति लाइट की गति से भी तेज है। यानी जो चीज हमें नहीं दिखी या जिसकी लाइट हम तक नहीं पहुंची, वो हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो हमेशा हमारे से आउट ऑफ रेंज रहेगी। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें क्या है इसका 1% भी अंदाजा किसी को नहीं है, और हम कुछ कर सकते हैं तो वो है सिर्फ थ्योरी देना। वे लोग जो अपने को महान बताते हैं या वो जो अपने को बहुत बड़ा बताते हैं, वो इस ब्रह्मांड से कंपेयर्ड एक रेत का दाना भी नहीं है। इसलिए जब भी कभी आपको अपनी समस्याएं बड़ी लगे तो ऊपर आसमान की तरफ देखिए और सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये तो हुई बात हाउ बिग इज द यूनिवर्स की, पर हमारी इसी ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें हैं जो कि रहस्यमयी और मजेदार हैं। उनके बारे में जानने के लिए देखिए आपकी लेफ्ट साइड वाले लिंक। हमारे चैनल का रिसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोज में।